for the month ended December 31st. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, जुलाई फर्स्ट इसके अकाउंट में, जुलाई फर्स्ट में आपके जो लिया, देखिए हमेशा बैंक स्टेटमेंट मंथ एंड पे बनेगा। ठीक, जैसे जुलाई फर्स्ट का मतलब ये जुलाई का बन रहा है मंथ एंड पे। सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस, देखो 30th जून लिखा हुआ है, प्रीवियस स्टेटमेंट बैलेंस 30th जून लिख दो या 1st जुलाई लिख दो। ठीक है, ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, पिछले महीने का। अब देखो फिर देखा जाए डिपॉजिट्स, ये जो कंपनी ने डिपॉजिट्स किए ना, ये सब आ रहा है डेट वाइज आ रहा है, डिपॉजिट्स डेट वाइज डिपॉजिट्स आ रहे हैं 300, 1250, 993.6, ये सारे डिपॉजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, सर डिपॉजिट्स आए। अब क्या है, अदर चेक्स रिटर्न और रिटर्न, अब कंपनी ने जो पेमेंट के लिए चेक इशू किए वो ये चेक सारे चेक आ रहे हैं। देखो 2 तारीख को 3rd जुलाई, 10th जुलाई, 12th जुलाई, 18th जुलाई, 18th जुलाई और सो ऑन। तो इस तरह सारे चेक्स आपने अमाउंट को प्लस किया तो आपका पर आ गया, ठीक है, पेमेंट भी आ जाएगी, सबको प्लस कर लो। अच्छा, ये इस शक्ल में बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, राइट। सिर्फ ये मकसद है कि आप समझ जाओ, ये समझ लो कि बैंक क्या चीज़ भेजता है। नोट, नॉर्मली कैश बैलेंस शोन बाय द, लेकिन ये क्या देखो प्रॉब्लम आ रहा है, नोट को पढ़ो क्या है, नॉर्मली कैश बैलेंस शोन बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ डज नॉट कोइंसाइड विद द कंपनीज एंड ऑफ द बैलेंस। क्या नॉर्मली हो रहा है, बैंक जो स्टेटमेंट भेजता है तो वही बैलेंस होना चाहिए ना कंपनी के अकाउंट में कि हमारा HBL में ये बैलेंस, लेकिन नॉर्मली ये टैली नहीं करता। ठीक है, कुछ डिफरेंस आ रहा होता है, इसकी वही डिफरेंस के लिए तो रिकनसाइड करते ना, तो डज नॉट कोइंसाइड विद द कंपनीज एंड ऑफ द मंथ बैलेंस, देयरफॉर ड्यू टू विच बैंक रिकनसाइड स्टेटमेंट इज मेड। इसी वजह से तो बैंक जो लिखा हुआ है ना देयरफॉर, ठीक है, इसी की वजह से हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट बनना है क्योंकि उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है ना आपकी, है पैसे को तो बचाना है फ्रॉड से। ठीक है, कहीं अगर ये सब नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा पैसा कहाँ चला गया। बस को हमने जनरल वाउचर के थ्रू इसको देखा कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये अभी यहाँ पर आ रहा है 5 to कितना आ रहा है बैंक के बैलेंस में जो आएगा, ठीक है, और आपके अकाउंट के बैलेंस में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सपोज तो इस डिफरेंस को टैली करना है। ठीक है, नॉर्मली कैश बैलेंस शोन बाय द बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ डज नॉट कोइंसाइड विद द कंपनीज एंड ऑफ देयरफॉर ड्यू टू विच बैंक रिकंसिलेशन इज मेड। अब देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे बताया, ठीक है, देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या, देखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन इज ए शेड्यूल, क्या है ये, इट इज ए शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बिटवीन द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन द डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखो बैंक रिकंसिलेशन शेड्यूल एक्सप्लेन कर रहा एनी डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन द डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज मेड बाय द टेक्निशियंस या फिर डिपॉजिटर्स। ठीक है,
बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शोन इन द डिपॉजिटर अकाउंट इनकम. इट इज मेड बाय द अकाउंटेंट्स. ये कौन बनाता है? अकाउंटेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स, यानी कि कंपनी का जो अकाउंटेंट है सीनियर अकाउंटेंट वो बनाएगा. दैट इज बाय द कंपनी अकाउंटेंट. अब इसका स्केच देखो आप 296 पेज नंबर, या फिर मैंने जो आपको भेजा है उसी पेज की फोटो पिक्चर भी भेज दी आपको व्हाट्सएप पे. देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस तरह बनाओगे ये आपको शो किया यहाँ पर. ये अकाउंटेंट बनाएगा, ठीक है. देखिए स्टेट हेडिंग देंगे पार्क व्यू कंपनी है, कंपनी का नाम ये बैंक रिकंसिलेशन जुलाई 31st. ये समझो इस तारीख का बैंक स्टेटमेंट क्या स्टार्ट कैसे करेंगे. बैलेंस एज पर आपने बताया था, बैलेंस स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट ने बैलेंस दिया और कंपनी के बुक्स में देखा डिफरेंस आ रहा है, अब इसको रिकनसाइल कर रहे हैं. स्टार्ट कैसे करेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस क्या आ रहा है वो लिख दिया, ठीक है. बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है वो लिख दिया पहले. अब क्या करेंगे उसके बाद हम देखेंगे वो जो क्या क्या रीजंस हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टैली नहीं हो रहा है. वो मुख्तलिफ रीजंस होंगे, वो अभी रीजंस नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहे हैं, ठीक है. वो रीजंस पता लग जाएंगे सवाल के अंदर ही, राइट. ये स्टेटमेंट देखो, बैंक स्टेटमेंट क्या दे रहा है देखो, पिक्चर देखो, ओपनिंग बैलेंस है देखो, ये जुलाई का बना रहे हैं, राइट. तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जुलाई का उसने बैलेंस ये दिया हुआ है, कंपनी का बैलेंस डिफरेंट होगा तभी बनाया जा रहा है. अब इसमें देखो इस तरीके से हम इसको जो चीज़ें ऐड होंगी ना बैंक स्टेटमेंट वो इसमें ऐड कर देंगे, जो ऐड होनी चाहिए, जो एरर आ रहे हैं, जो मिसिंग हो रही है उसकी, जो पहले ऐड करना चाहिए वो ऐड एडिशन हो जाएगा, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. अभी क्या चीज़ कैसे करेंगे वो अभी नेक्स्ट पेज से क्लियर होगा. फिर जब ये हम बना लेंगे तो हम कहेंगे बैलेंस बैलेंस एडजस्टेड कैश बैलेंस. अब फिर हम बैलेंस एज पर कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से बैलेंस उठाएंगे और फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे प्लस और या माइनस. वो एडजस्टमेंट करने के बाद फिर कैश एडजस्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा. ये एडजस्टेड कैश बैलेंस बुक का और एडजस्टेड कैश बैलेंस बैंक में ये टाई अप हो जाना चाहिए. आप लाजमी टाई अप हो जाए तो रिकनसाइल हो गया, ठीक है. टाई अप करना हमने इसको दोनों को, ठीक है. तो ये शक्ल है आपको बताया, ठीक है. अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. देखिए कम टू नेक्स्ट पेज. ये देखिए नॉर्मल डिफरेंसेस या कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन बैंक रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड. बैंक रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये जो डिफरेंस आ रहे हैं इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेज, ठीक है. पॉसिबल वो सारे पॉसिबल कॉजेज देखा. अब उसमें से सवाल में कुछ पॉसिबल कॉजेज होंगे उनको आप रिकनसाइल करना, ठीक है. प्लस करना या माइनस करना है, कहाँ से करना है, बैंक स्टेटमेंट में या कैश या डिपॉजिटर्स के रिकॉर्ड में. सबसे पहले आउटस्टैंडिंग चेक्स, इसको समझो आप. आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक्स, राइट, चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी. जब चेक कंपनी इशू करेगी तो रिकॉर्ड करेगी और क्रेडिट कर देगी, चेक इशू किया है, नहीं पेमेंट का चेक है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. भाई एक सर आपके सप्लायर को चेक दिया कि लो भाई तुम्हारी पेमेंट, तुमने जो सप्लाई किया उसकी ये पेमेंट है, ठीक. चेक दे दिया सप्लायर को, ठीक. सपोज सप्लायर्स को जो चेक दिया वो लास्ट डेज में दिया जैसे 25, 26, 27. अब क्या हुआ, वो जो सप्लायर था ना या सैलरी पर्सन भी हो सकता है, वो बैंक गए ही नहीं,
मन क्लोज हो गया, 3 4 दिन पहले दिया, जरूरी तो नहीं है ना उसको, अभी इतनी अर्जेंसी नहीं थी, वो चेक लेके बैंक नहीं किया, कैश नहीं कराने किया, ठीक है। तो क्या देखो, आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, जब चेक इशू करेगी कंपनी तो चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, कंपनी ने रिकॉर्ड चेक इशू किया अपने सप्लायर को, ठीक है। बट जब कंपनी चेक इशू करेगी तो क्रेडिट करेगी ना उसको, चेक इशू किया तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा समझो, ठीक है। बट नॉट गेट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन उसने जो चेक्स इशू किया तो क्रेडिट कर दिया फॉरन, पैसा कम हो रहा है, क्रेडिट हो गया। लेकिन क्या हुआ, जिस सप्लायर के पास गया ना, वो बैंक 3 4 दिन के अंदर वो बैंक गया ही नहीं पैसा निकालने के लिए, और मंथ क्लोज हो गया, मंथ ही क्लोज हो गया, फिर उसको इतनी जल्दी नहीं थी, राइट। बैंक मंथ क्लोज हो गया, क्या होगा जब मंथ क्लोज हो गया तो उससे क्या हुआ कि आपने तो क्रेडिट कर दिया चेक इशू करते हुए, बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक तो डेबिट करेगा ना, आपकी लायबिलिटी है उसके लिए, तो बैंक ने डेबिट नहीं किया क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं किया, उसने कैसे डेबिट कर देगा, उसकी मर्जी, वो गया ही नहीं तो डेबिट नहीं, बैंक ने डेबिट नहीं कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया, चेक मैंने इशू कर दिया, क्रेडिट कर दिया, पैसा कम कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो करना था कर लिया है, कंपनी ने जो करना था कर दिया, कि मतलब उसने चेक इशू कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक ने क्या नहीं किया, डेबिट नहीं किया, क्योंकि वो प्रेजेंट कस्टमर जो आपका जो सप्लायर था वो, या सैलरीड पर्सन था वो, बैंक गया ही नहीं, तो उस बैंक के उसको क्या नाम है, डेबिट किया ही नहीं, बैंक तो डेबिट करेगा ना, बैंक ने डेबिट नहीं किया, राइट। तो अब ये कि जो एक्शन जो होना है ना, अब बैंक में होना है, हमने नहीं करना है, हमारे पास तो करेक्ट है, तो क्या करेंगे, एक्शन टू बी टेकन, देखो आपको इसका एक्शन क्या लेना है, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई ओपनिंग बाई डेबिटिंग बाई द कस्टमर चेक इन टू द बैंक ऑफ बैलेंस, इसके जो बैंक बैलेंस है कंपनी का, ठीक है, उसमें इसको डेबिट कर देंगे हम, अपने बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए, बैंक रिकंसिलेशन बनाते हुए हम बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी कि बैंक में से इसको माइनस कर देंगे खुद से, ताकि जो हमने काम किया वही बैंक स्टेटमेंट में कर दिया, ठीक है। बैंक ने तो नहीं किया, हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या एक्शन लिया, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई डेबिटिंग, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, डिडक्टिंग बाई द आउटस्टैंडिंग चेक इन टू द बैंक बैलेंस, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग चेक से उसको हम डेबिट कर देंगे, राइट, डेबिट कर देंगे, तो ये देखिए, राइट। तो एक्शन क्या लेना, आउटस्टैंडिंग चेक्स का क्या लेना है, ये यहाँ बताने का मकसद है, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग बाय द आउटस्टैंडिंग चेक्स, चाहे 2 चेक हो या 20 चेक हो, इन सब का अमाउंट बारी बारी हम बैंक स्टेटमेंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको माइनस करना था, डेबिट करना था, किया नहीं, इसलिए अब हम कर रहे हैं खुद, ताकि हमारे हिसाब से वो टैली कर जाए उसका बैलेंस, राइट, समझिए। आउटस्टैंडिंग चेक्स क्लियर हुआ, पहले बताओ, हाँ भाई, आउटस्टैंडिंग चेक क्लियर हुए, सफदर महमूद आप बताइए, क्लियर हो गया आउटस्टैंडिंग चेक, और इसका एक्शन हम ले रहे, मोहम्मद कमर नदीम, क्लियर हो गई बात, सर चले ठीक है। तो ये हमने कहा कि जो भी आउटस्टैंडिंग चेक होंगे ना, हम हमेशा बैंक में अपने अकाउंट, हमने तो किया हुआ है, बैंक के अकाउंट को करेक्ट कैसे करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे, बैंक जब बैंक के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग चेक्स, देखो चेक्स इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी बट नॉट गेट, तो बैंक के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, बैंक तो डेबिट करेगा ना जब खर्चा करेगा, तो यहाँ पर देखो, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग, यानी कि डिडक्टिंग बाय द आउटस्टैंडिंग चेक्स इन टू द बैंक बैलेंस,
बैंक के बैलेंस से इसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग चेक से। तो ये हमने पहला कॉज बताया आपको और इसकी रेमेडी भी बता दी, ये देखो एक्शन टू बी टेकन, ये रेमेडी है, ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। अब इसको समझो ये क्या मतलब है इसका, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, ठीक है, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। देखिए डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, कैश रिसीट्स, क्या कह रहा है, कैश रिसीट्स रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर, यानी कि बाय द कंपनी, कैश उसको मिला या चेक मिला, रिकॉर्डेड डेबिटेड बाय द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर ने अपने डेबिट कर दिया यानी कि ऐड कर दिया, बट विद द री बट देखो डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कंपनी के पास एक चेक आया, ठीक है, किसी किसी कस्टमर से पैसा आया, कंपनी ने डेबिट कर दिया यानी कि प्लस कर दिया उसके, है कि पैसा आ गया बैंक में प्लस, और बट रीच द बैंक और अपने समझो मैसेंजर को कहा जाओ बैंक में जमा करा दो, है बैंक, और ये नॉर्मली कब होगा, लास्ट डे ऑफ द मंथ, है वो गया मैसेंजर, है कंपनी का जो मैसेंजर कह लो या आउटडोर जो काम करता है, बट दैट रीच द बैंक टू लेट, बिल्कुल शाम में गया वो, बैंक ने ले लिया उसके स्टैम्प मारी दे दिया आपको, ठीक है, हमने रिसिट के अंदर दे लिया कि बैंक ने हमने रिसिट का एक्नॉलेजमेंट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बट दैट रीच द बैंक टू लेट टू बी एडिड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट मंथ, बैंक ने उसको नेक्स्ट डे मंथ चेंज हो गया, बैंक तो मंथ डेली डे हिसाब से पोस्टिंग करता है, मंथ चेंज हो गया, जनवरी था फरवरी आ गया, जब मार्च था अप्रैल का महीना शुरू हो गया, अगला महीना अगला दिन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका तो अकाउंट सही है, आपका बैलेंस सही है, लेकिन बैंक ने उस वो जो चेक आपने जमा कराया ना, वो बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं, क्रेडिट किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो लेट गया और महीना क्लोज हो गया, ठीक है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग चेक को समझो, तो एक्शन क्या होगा, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड, फिर क्या करें, कैसे करेंगे, क्रेडिटेड एडिड बाय द आउटस्टैंडिंग चेक, जितने भी आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं वो क्या करेंगे, बैंक बैलेंस विल बी करेक्टेड एंड विल बी करेक्टेड यानी क्रेडिटेड बाय द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स इनटू द, जो चेक दिया था जमा कराने के लिए पैसा, अब हम बैंक स्टेटमेंट में ये डिपॉजिट को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसीलिए तो लिखा हुआ ना डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कि वो इन ट्रांजिट हो गया, इन ट्रांजिट का मतलब अभी वो अभी ट्रांजिट में है, वो किया ही नहीं बैंक ने, ठीक है, अब बैंक में के बैलेंस को हम करेक्ट करके उसमें ऐड कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। हमें तो नहीं करना, हमने जब मैसेंजर को भेजा तो हमने तो करके ही भेजा ना, इसलिए जो जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इन ट्रांजिट होगा वो बैंक के बैलेंस को हम बढ़ा देंगे, इससे ऐड कर देंगे, इससे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये डिपॉजिट इसको कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, क्योंकि डिपॉजिट में गया हुआ है लेकिन इन ट्रांजिट है, ठीक है, इसलिए ये दिस विल बी एडिड इन टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में ऐड कर देंगे। अब देखिए वो मैंने डिस्कस किए नॉर्मल डिफरेंसेस में आउटस्टैंडिंग चेक्स, और दूसरा है डिपॉजिट ट्रांजिट, थर्ड देखिए एनएसएफ चेक,
ये क्या चीज है, एनएसएफ चेक, नॉट एन फॉर नॉट, एस फॉर सफिशिएंट एंड एफ फॉर फंड्स। ठीक है, क्या मतलब इसका, व्हेन चेक्स फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड एंड द बैंक जनरली गिव्स द डिपॉजिटर इमीडिएट क्रेडिट, समटाइम्स वन ऑफ दीज चेक्स मे बी फाउंड अनकलेक्टिबल लेटर ऑन बिकॉज द कस्टमर हु रोट द चेक डिड नॉट हैव सफिशियंट फंड इन हिज हर अकाउंट। इन सच केसेस बैंक विल रिड्यूस डेबिट द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाई द अमाउंट ऑफ द अनकलेक्टिबल आइटम रिटर्न बाय द चेक मार्क्ड एज एनएसएफ टू बी टेकन। कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय क्रेडिटिंग यानी डिडक्टिंग बाय द एनएसएफ चेक। देखो इसकी मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, एक कस्टमर ने आपको पैसा दिया, ठीक है, देखिए एक कस्टमर ने आपको पैसा दिया, चेक दिया आपको, पैसा नहीं चेक दिया, ठीक है, आपने वो चेक भिजवा दिया बैंक में कि यार ये अकाउंट में जाके जमा करा दो। जब वो बैंक गया ना, बैंक ने स्टैम्प लगा के दे दिया, ठीक है जमा हो गया, लेकिन क्या है जब बैंक क्लियरेंस में गया ना वो चेक, तो वो बाउंस हो गया। क्यों? जिस कस्टमर ने वो चेक दिया ना, उसके उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। या चेक दिया 50,000 का और अकाउंट में पैसा है 48,000 का, तो बैंक बाउंस हो जाएगा ना, बैंक ने चेक वापस कर दिया जब आपके पास मंथ एंड पे वापस कर दिया, ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट दिया ना उसी में ये चेक वापस कर दिया है। जब आप कंपनी को आप पता लगा यार ये तो एनएसएफ हो गया है, ये चेक बाउंस हो गया, जबकि कंपनी कर चुकी होगी क्रेडिट, बढ़ा दिया अपने अकाउंट है ये कि पैसा हमारे पास बढ़ गया इतना और आ गया, लेकिन पता लगा ये बाउंस हो गया, ये चेक ही रिजेक्ट हो गया, पैसा ही नहीं था। तो अब बैंक ने तो कर दिया काम, बैंक की कोई गलती नहीं हुई, हमारी गलती कि एनएसएफ चेक को मैंने, अब हमने तो क्रेडिट कर दिया था, वापस डेबिट करेंगे यानी कि उसको कम, अब हम क्रेडिट कर दिया, हमने उसको डेबिट कर दिया था, कंपनी ने डेबिट करेगी ना, कंपनी ने डेबिट कर दिया था, आप क्रेडिट करेगी यानी कि माइनस करेगी। या एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई क्रेडिटिंग एंड डिडक्टिंग बाई द एनएसएफ चेक। जितने भी आउटस्टैंडिंग जो एनएसएफ चेक होंगे ना, कंपनी अपने रिकॉर्ड से इसको माइनस करेगी, चाहे 2 हो या 10 हो, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ, ताकि हमारा बैलेंस सही हो जाए, ठीक है। एनएसएफ चेक एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई क्रेडिटिंग यानी डिडक्टिंग बाय द एनएसएफ चेक्स इन टू द कंपनीज बैलेंस, ठीक है, ये आपके डिडक्ट कर देगी उसको, राइट। एनएसएफ चेक क्लियर हो गया, हाँ भाई एनएसएफ चेक क्लियर, ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे आज जरा क्या नाम है, रात को जरा सोए लेट बहुत, तो रात ऐसी थी तो इसकी वजह से बड़ी सख्त नींद आ रही, और सुबह भी 2 क्लासें थी, अभी तीसरी क्लास चल रही। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सर्विस चार्जेस, ठीक है, सॉरी ये है, सर्विस चार्जेस क्या है, बैंक जो है कुछ सर्विस चार्जेस भी लेता है, देखिए कुछ कंपनी बैंक ने कुछ सर्विस दिया उसके चार्ज करेगा। देखो नंबर 4, बैंक ऑफन डेबिट्स द डिपॉजिटर्स बैंक अकाउंट बाय फीस फॉर हैंडलिंग स्मॉल अकाउंट ड्यूरिंग मंथ, जैसे सर्विस चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस है, कुछ चेक बुक इशू की उसके कुछ चार्जेस है, तो ये कम बैंक जो है वो डेबिट कर देता अपने आपके अकाउंट, ठीक है, माइनस कर देता, ठीक है, ये करता रहता है महीने में। तो अब वो आपको पता लगा कि ये इसने डेबिट कर दिया है, सर्विस चार्जेस चार्ज किया है, एक दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा भी हो सकता है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने बैलेंस को सही करोगे इससे, सर्विस चार्जेस से क्या है, देखो एक्शन टू बी टेकन कहा होगा, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड, तो बैंक के बैलेंस को नहीं करेक्ट, कंपनी ने अभी किया नहीं है, अब बैलेंस जो चार्जेस होंगे हम इसको डिडक्ट कर देंगे यानी कि क्रेडिट कर देंगे। एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाई डिडक्टिंग सर्विस चार्जेस इन टू द कंपनीज बैलेंस, कैश बैलेंस को हम इससे कम करेंगे कि इस बैंक में हमारा पैसा इतने रुपए से और कम हो गया,
सर्विस चार्जेस, अगर कोई सर्विस चार्जेस बैंक ने चार्ज किया, ठीक है, हमारे कंपनी के अकाउंट को सही किया जाएगा, ठीक है, पेपर पे, राइट, कंपनी अकाउंट विल बी करेक्टेड, ठीक है, हम बुक्स में नहीं कर रहे हैं, हम समझे ये एक एक शीट बना रहे हैं एक्सेल की, ठीक है, ताकि रिकनसाइल हो जाए, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डिडक्टिंग सर्विस चार्जेस इन टू द कंपनीज बैलेंस, ठीक है, ये एक्शन लिया जाएगा सर्विस चार्जेस का, करेक्ट। आप देखें नेक्स्ट, इंटरेस्ट अर्न, अब ये क्या है, इंटरेस्ट अर्न, यानी कि आपने कुछ इंटरेस्ट आपको मिल गया बैंक की तरफ से, अब आपको पता लगा जब आपके बैंक स्टेटमेंट आई, देखिए इंटरेस्ट, बैंक में हैव क्रेडिटेड द डिपॉजिटर्स अकाउंट बाय सम इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय देम ड्यूरिंग द मंथ ऑन डिपॉजिट्स बैलेंस, ठीक है, आपका अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो आप बैंक ने आपको कुछ इंटरेस्ट दिया और आपके अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया, आपको पता लगा कि भाई जब बैंक स्टेटमेंट आई तो पता लगा कि बैंक ने कुछ सर इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, इंटरेस्ट आपको दे दिया, तो आप जो इंटरेस्ट है आप अपने बैलेंस को सही करोगे, तो एक्शन टू बी टेकन, कंपनीज बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग द इंटरेस्ट अर्न इन टू द कंपनीज बैलेंस, कंपनी के जो बैलेंस होगा जैसे HBL का बैलेंस है तो उसमें हम ये इंटरेस्ट जो कंपनी ने चार्ज, बैंक ने जो इंटरेस्ट आपको गिवन दिया है, चार्ज नहीं किया दिया, वो हम अपने बैलेंस में भी बढ़ा देंगे, ठीक है, बैलेंस को बढ़ा देंगे जितनी इंटरेस्ट इनकम होगी, ठीक है, क्रेडिट मेमोरेंडम के थ्रू ये काम हो रहा होगा, ठीक है, तो ये एक्शन टू बी टेकन इंटरेस्ट अर्न। नंबर सिक्स क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, ये देखो ये क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट, राइट, डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट, इसका मतलब क्या है कि आपको किसी कस्टमर से पैसा लेना था, है? कस्टमर का कुछ ड्यू था, कस्टमर ने आपको पैसा देना था, है? आपने क्रेडिट से, कस्टमर ने क्या किया कि चेक लाके आपको देता कंपनी के अंदर, उसने ये नहीं किया, डायरेक्ट बैंक में गया, वो आपका अकाउंट नंबर उसको पता था कि भी आपका HBL के अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर है, गया HBL बैंक किसी ब्रांच में और जाके वो अमाउंट जमा करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, देखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, सम टाइम एनी कस्टमर मे हैव डिपॉजिटेड हिज ड्यूज डायरेक्टली इनटू द कंपनीज बैंक अकाउंट, डायरेक्ट जमा करा दिया और आपको पता लगा जब वो बैंक स्टेटमेंट आई कि अरे ये इतना पैसा तो डायरेक्ट जमा करा दिया उसने, ठीक है, तो अब हमने अपने अकाउंट को सही करना है ना, कंपनी बैलेंस विल बी करेक्टेड बाय डेबिटिंग, ठीक है, बाय डेबिटिंग यानी कि एडिंग बाय डायरेक्ट डिपॉजिट, जितने भी डायरेक्ट डिपॉजिट होंगे हम कंपनी के अकाउंट में इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, बैंक ने तो कर दिया, हमने अपने अकाउंट को सही करना, हमने अपने अकाउंट में एक्शन लेना, ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट जो होगा इनटू द बैंक होगा, हम अपने कंपनी के अकाउंट को करेक्ट करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे जितने भी डायरेक्ट डिपॉजिट है, राइट, क्लियर हो गया, ये बोलो, यस सर, अच्छा नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, अब ये भी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक आर द कंपनी, भाई इंसान काम कर रहा है तो किसी से भी गलती हो सकती है, कंपनी के अकाउंटेंट से भी और बैंक के अकाउंटेंट से भी गलती हो सकती है ना, इसका तो प्रोविजन होता है ना, तो देखो एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक और इन द कंपनीज कैश बैंक बुक, एक्शन टू बी टेकन, रिस्पेक्टिव पार्टी विल बी करेक्टेड, है, हमने देखना है कि ये जो एरर हुआ है ना, कंपनी ने कंपनी के अकाउंटेंट से हुई गलती या बैंक के अकाउंटेंट से गलती, इसीलिए लिखा है आइदर, ठीक है, तो जहां गलती हुई है वहां पर सही कर दिया जाएगा, अब वो गलती से क्या हो सकता है,
पैसा बढ़ भी रहा हो सकता है, बढ़ जाए और है क्यों भाई? फर्ज करो, क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई अमाउंट था सपोज 6,500 है, 6,000 क्या अमाउंट था सपोज। देखो ये मैं एरर को समझाता हूं, ऐसा एरर हो जाता है। देखो जैसे अमाउंट है 750 है, देखो 750, और से सुनो मेरी बात, 750 ठीक है, कंपनी से गलती हो रही है। देखिए सात, देखो 750 का अमाउंट है, कितना बताया 750 है। ये हम हमने समझो ये कोई चेक इशू किया 750 का है, 750 का कोई चेक इशू किया है, पार्टी को दिया। जब इसको एंट्री कर रहा था ना अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंटेंट, इसने 750 के बजाय क्या कर दिया, ये देखिए क्रेडिट करना था 750 से, अब ऐसी गलती हो जाती है 570 से कर दिया, 5 पहले लिख दिया और 7 है, क्रेडिट करना था 750 से, क्रेडिट कर दिया 570 से, ठीक है। तो इसकी गलती है ना, अब इसकी गलती से क्या हुआ, गलती से क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है ना, देखो 5,750 से क्रेडिट करना था, 750 से देखिए 750 से क्रेडिट करना था, कर दिया 570 से, तो इसका मतलब 180 से कम क्रेडिट किया है, आ रहा है ना नजर स्क्रीन पे आ रहा है, 180 से कम क्रेडिट किया, 570 से कर दिया, ठीक है। तो अब एक्शन क्या होगा, मजीद 180 से क्रेडिट करेंगे हम अपने अकाउंट को, कम करेंगे। तो 750 से क्रेडिट करना था, कम करना था अपने अकाउंट को, एंट्री कर दी 570 से, तो अब बाकी कितना रह गया 180, 180 से फिर क्रेडिट करेंगे तब जाके वो 750 बनेगा। तो ऐसे एरर आ जाते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दी आपको। अब ये चीज गलती बैंक भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, गलती से कम माइनस भी हो सकता है, ज्यादा माइनस भी हो सकता है, देखिए दोनों चीज हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली इसको सही करना होगा, अगर ज्यादा से क्रेडिट हो गया तो फिर हम प्लस करेंगे उसको, उस अमाउंट को, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एन एरर मेड आइदर बाय द बैंक और इन द कंपनीज कैश बुक, एक्शन टू बी टेकन, द रिस्पेक्टिव पार्टी विल करेक्ट इट बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, जो गलती होगी भाई डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। आपको आपको मैंने ये भी बताया कि सी फॉर्मेट और बैंक रिकंसिलेशन 296, देखो आप 296 पेज नंबर निकालो जरा, पेज नंबर 296, ये भी मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, ये भी पेज व्हाट्सएप किया हुआ है, देखो व्हाट्सएप निकालो, ये बैंक रिकंसिलेशन का अभी दूसरा वर्ड निकालिए, एक और व्हाट्सएप किया क्वेश्चन के अलावा, ये पेज नंबर ये 296 है, ये देखें इसको, देखिए ये देखिए बैंक रिकंसिलेशन बन रही है, ठीक है। जो अकाउंटेंट बनाएगा ना बैंक का, कंपनी का, इस तरह बनाएगा, पार्क व्यू कंपनी, कंपनी का नाम है सपोज, बैंक रिकंसिलेशन जुलाई 31, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ है, सबसे पहले उठाया बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो जो बैंक स्टेटमेंट ने बैंक स्टेटमेंट भेजी है ना, उसमें बैलेंस दिया हुआ होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया, ठीक है, समझ गए, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया बैंक रिकंसिलेशन। उसके बाद क्या करा, वो जो मैंने ये आपको बताया ना, ये जो सात सात सिचुएशन बताई है, ये आखिरी देखो आपके सामने, एरर मेड आइदर बाय द बैंक है, या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सर्विस चार्जेस, एनएसएफ चेक्स, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट और
आउटस्टैंडिंग चेक्स, ये चीजें आई होंगी ना, तो हमने जो एक्शन तो आपको बताया क्या करना, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने इसको सही करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो बैंक के बैलेंस में पहले करेक्शन किया, देखो आपको जैसे बताया था, अगर कोई एरर की वजह से, कोई मिसिंग की वजह से बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा, तो जो पहले बढ़ेगा जो, वो पहले लिख देंगे। देखो एड लिखा हुआ है, एड डिपॉजिट ऑफ जुलाई नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, वही ये वही बात हो गई ना, वो जो क्या था, ये देखो, ये देखो, ये तारे, ये नहीं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, क्या कह रहे हो, देखिए ये देखो, ये जो मैंने व्हाट्सएप किया है उसमें देखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हम भाई बोलो नहीं यार, क्या कर रहे हो, साइलेंट प्लीज। हेलो भाई, ऐसा दे दो, शुक्रिया भाई, थैंक यू यार। देखिए ये जो मैंने व्हाट्सएप किया आपको बैंक रिकंसिलेशन का, तो हम क्या करेंगे, पहले बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस जो होगा ना, बैंक जो बैलेंस शो कर रहा है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, वहां से उठाएंगे इसको, है बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का, और जो जो चीजें प्लस करनी है ना, ठीक है, जैसे ये था डिपॉजिट ऑफ जुलाई नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ जुलाई नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक, जुलाई के महीने में कुछ डिपॉजिट किया था और वो रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि ये क्या है, मतलब इन ट्रांजिट है, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, लेट डिपॉजिट किया नहीं है, तो अब ये बैंक के अकाउंट को हमने सही किया, ऐड कर दिया, जैसे मैंने एक्शन बताया था कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक के अकाउंट में प्लस होगा, ये देखिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये वाला एक्शन सेकेंड वाला केस है ये, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दिया, अब इसके अलावा कोई और ऐड आ रहा होगा वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, पहले सारे एडिशन बैंक में हो रहे हैं वो ऐड कर देंगे, फिर सारे सब्ट्रैक्शन वाले एक साथ एक एक करके सब्ट्रैक्शन वाले ले लेंगे जो ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, तो देखो ऐड किया फिर सब टोटल लिख दिया, फिर जो माइनस करना है ना, आउटस्टैंडिंग चेक्स है, आउटस्टैंडिंग चेक्स मैंने आपको बताया था ना, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आउटस्टैंडिंग चेक्स है, ये बैंक में से माइनस होंगे तो ये सारे माइनस कर देंगे अगर जितने भी होंगे, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे, ठीक है, बैलेंस बैलेंस एज पर डिपॉजिट, ठीक है, ये हमने इसमें है एडजस्टेड कैश बैलेंस कर दिया, अब हम उठाएंगे बैलेंस एज पर डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड, यानी कि कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से उठाया, अब उसमें भी हम वो चीज़ें ऐड करेंगे जो कंपनी में ऐड होनी चाहिए, है जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी में क्या ऐड होनी चाहिए, कि जैसे आपका ये है, आपका क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, ये ऐड होनी चाहिए, अगर ये आ रही है तो ऐड करेंगे, इसी तरह डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, ये भी कंपनी के रिकॉर्ड में ऐड होगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें कंपनी के रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट या इंटरेस्ट इनकम वगैरह, ठीक है, और माइनस कौन सी होगी, जैसे सर्विस चार्जेस है, ये माइनस हो जाएगी कंपनी के रिकॉर्ड से, एनएसएफ चेक है ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, एनएसएफ चेक, ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि हमने पहले प्लस किया हुआ है इसलिए माइनस कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें माइनस करेंगे, प्लस करने के बाद फिर माइनस, तो फिर इसके बाद हमारा बैलेंस, कंपनी का बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाना चाहिए, रिकंसाइल हो जाना चाहिए इन एडजस्टमेंट के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो एडजस्टेड
कैश बैलेंस बैंक में आया फोर, देखिए बैंक में आ रहा है 4693, ये देखिए 4693.32, और ये देखिए एडजस्टेड कैश बैलेंस, अब कंपनी का बैलेंस भी वही हो गया 4093.32 डॉलर्स, ठीक है। तो टाई अप हो गया, इसका मतलब अब रिकनसाइल हो गया, इस तरीके से रिकनसाइल करना है, आप समझे। क्या हुआ, ये क्या हो रहा है ये, हाँ मिस्टर साकिब यासीन आप क्या कर रहे हो, मिस्टर साकिब यासीन यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, मिस्टर साकिब आई वॉर्न यू, मेरी आवाज सुन रहे, प्लीज नोट डाउन, सम स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, फिफा हेड ऑफिस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया बैंक रिकंसिलेशन, अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है तो बोलो, यू कैन आस्क, बैंक रिकंसिलेशन पे कोई क्वेश्चन है जो मैंने पिक्चर भेजी है, एनी क्वेश्चन, है कोई क्वेश्चन है आपका, हाँ परमल साजिद आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक, मिस्टर परमल साजिद, नो सर, ठीक है क्लियर हो गया, यस सर। तो आप क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, आप देखिए क्वेश्चन आपको वर्किंग तरीके वर्किंग प्रोसीजर बताते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको मैंने ये व्हाट्सएप किया है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 राइट, ये आपको व्हाट्सएप किया है राइट, ये निकालिए क्वेश्चन नंबर 18, ये मैं शेयर भी कर रहा हूं, शेयर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ है आपको, इसका वर्किंग प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम में आपके पास आया हुआ है ये, आप बैंक स्टेटमेंट बनानी है आपने, क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है कि जो चीजें जो ट्रांजेक्शन है ना उन पे आप मार्क कर दो, देखो क्या वर्किंग प्रोसीजर बताया, देखें पहले इसको पढ़ा है, पहले रीड किया, देखो क्या कैश बैलेंस एंड ट्रांजेक्शंस, कैश बैलेंसेस एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड फॉर जनवरी 2021 आर एज फॉलोस, कैश बैलेंस लेजर अकाउंट ऑफ द कंपनी शोड ए क्रेडिट शोड ए बैलेंस ऑफ 31 जनवरी, कितना है 1,25,568, कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड से कह रही है मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल्स कि हमारे बैलेंस यूबीएल में सपोज बैलेंस कितना है 1,25,568। अब जुलाई बैंक स्टेटमेंट जब आया ना वो कह रहा है नहीं 1,14,828 है आपके बैलेंस, अब डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस ह्यूज अमाउंट भी हो सकता है राइट। तो अब इसको रिकनसाइल करना है अकाउंटेंट ने, ठीक है। तो अब वो देखेगा कि यार रीजंस क्या है, ये देखो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए कि हमने ढूंढा तो देखा मिला, फर्स्ट क्या है देखो कैश रिसीव्ड ऑन जनवरी 31st एट बैंक, क्या है देखो कैश रिसीव्ड एट ऑन जनवरी 31st एट बैंक अमाउंटेड टू 16,000, एट लेट आवर्स
therefore it was not recorded by the bank on January statement. इसलिए जनवरी की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, फरवरी में चला गया होगा. तो इसको क्या कहोगे, ये किस किस बैंक के अकाउंट में एडजस्टमेंट होना चाहिए या कैश के अकाउंट या कंपनी के अकाउंट में एडजस्टमेंट होना चाहिए? अभी बताया मैंने किसमें एडजस्टमेंट होगा, बोलो. ठीक है सर, कैश बैलेंस. कैश में. अच्छा, प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस प्लस होगा या माइनस होगा? क्या होगा सर? कैप्टन, हाँ प्लस करना होगा ना. तो ये क्या किया, सवाल अभी करने से पहले क्या किया, सी फॉर कंपनी हमने 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 ऐसे मार कर दिया कि सी फॉर कंपनी बी फॉर बैंक. सी फॉर कंपनी बी फॉर बैंक. ये देखिए, ठीक है, राइट. ये देखिए, सवाल करने से पहले ये कर दिया हमने. ये समझो डायरेक्ट डिपॉजिट है, ये है डायरेक्ट डिपॉजिट, समझ गए? डायरेक्ट डिपॉजिट. भाई मेरी बात सुन रहे हो? दिस इज डायरेक्ट डिपॉजिट. ठीक है, तो ये इसको कर दिया प्लस सी. क्यों? देखिए, कैश रिसीव्ड ऑन जनवरी 31st एट बैंक amounted to 16,000 at late hours. Therefore, it was not recorded by the bank on January. देखो, cash received इतना at bank amounted to 16,000 at late hours. ठीक है, therefore it was not recorded by the bank. Bank ने नहीं record किया. ठीक है, bank ने इसको record नहीं किया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये plus B हो गया ना, C तो नहीं हुआ ना, B हुआ ना. ये cash received on at bank amounted to at late hours, therefore it was not recorded by the bank. Bank ने इसको late पहुंचा, bank record नहीं कर सका जनवरी में. तो क्या होगा, ये plus B है, bank का B for bank है, ये B इसको अभी marking कर रहे हैं पहले. ठीक है, फिर बनाएंगे, फिर दूसरे पे आए. Also included with the bank statement with a debit memorandum, है debit memorandum from the bank for rupees 50 representing service charges. देखो, service charges हुए है, debit memorandum है. देखो, also included bank statement के साथ ये कि debit memorandum, memorandum का मतलब होता है एक नोट है. debit का मतलब हुआ bank ने आपके account को debit कर दिया, कम कर दिया है. आप पैसा जब निकालते हो तो मैसेज मोबाइल पे ये आता है ना, अगर मोबाइल आपने किया हुआ है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सच एंड सच अमाउंट. जैसे ही आप जाते हो बैंक से पैसा निकालो या आप अपना एटीएम से पैसा निकालो तो आपके पास मैसेज आ जाता है ना मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. 5,000 निकालना, कह देगा अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई 5,000 रुपीज. तो वही चीज है यहाँ पर, डेबिट, बैंक ने डेबिट कर दिया. किस चीज का? सर्विस चार्जेस का. इसका मतलब बैंक ने तो एक्शन ले चुका है, बैंक एक्शन ले चुका है, उसने आपके अकाउंट को कम कर दिया, डेबिट कर दिया. आपने अपने अकाउंट को कम करना है, ठीक है, आपने अकाउंट को कम करना है. ठीक है, तो हमने अपने अकाउंट को कम करना है, इसका मतलब माइनस करना है. तो इसमें हमने लिखा सी कंपनी, सी फॉर कंपनी. देखो, अभी सवाल शुरू करने से पहले ये काम कर रहे हो आप, फटाफट फिर बना लोगे. माइनस ये हमने सी करना होगा, टू वाला जो है सी कंपनी के अकाउंट से माइनस होगा ये, इसलिए हमने सी फॉर कंपनी बी फॉर बैंक. कंपनी के अकाउंट से ये माइनस करेंगे जो बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, समझ गए? सेकंड वाला क्लियर हो गया? ये आप अपनी वर्किंग कर रहे हो, आपके पास पेपर है, आप पेंसिल से उस पर लिख रहे हो, कोई मना नहीं करेगा, पेंसिल से लिख रहे हो. ठीक है, अब आगे चले, थर्ड पे आए, एक क्रेडिट और कंपनी का अकाउंटेंट भी यही काम करता है जब बैंक रिकंसिलेशन बना रहा होता है. ठीक है, देखो, एक क्रेडिट मेमोरेंडम, अभी क्रेडिट मेमोरेंडम आया,
ठीक है, ये मेमोरेंडम जो आ रहा होता है ये बैंक से आ रहा होता है, क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट है। क्रेडिट इसका मतलब आपके पैसे को, आपके बैंक के अकाउंट को बढ़ाया है इसने, क्या है चीज ये देखना है। क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज फॉर रुपीज 4000, फॉर रुपीज 4000 फ्रॉम, क्या है ये, फ्रॉम अली अहमद विद बैंक फॉर कलेक्शन हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल्स। क्या कह रहा है, ए क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज विद द बैंक, ठीक है, बियरिंग नोट्स रिसीवेबल फॉर फ्रॉम द अहमद अली, अहमद अली से पैसा मिलना था विद द बैंक फॉर कलेक्शन, ही हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक एंड प्रोसीड्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मोहम्मद फारूक। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट है। देखो सेंटेंस को पढ़ो जरा, डायरेक्ट डिपॉजिट है, कस्टमर ने आपको डायरेक्ट जमा करा दिया बैंक में। देखो अब सेंटेंस को पढ़ो, ए क्रेडिट मेमोरेंडम इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड दैट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स रिसीवेबल फॉर रुपीज 4000 फ्रॉम अली अहमद, ये कोई कस्टमर है तभी पैसा उससे मिल रहा है, विद द बैंक फॉर कलेक्शन had been collected by the bank and proceeds credited to the account of Mohammed Farooq Textile, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने तो काम कर दिया, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया, आपने अभी नहीं किया, तो हमें इसका क्या करना है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, इसका मतलब ये हुआ प्लस सी है, ये प्लस सी हो गया, हमने अपने अकाउंट को बढ़ाना है, अपने अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है, ये यहाँ प्लस सी लिख दिया। अभी सवाल करने से पहले ये काम कर रहे हैं, पहले मार्किंग कर लिया, फिर गलती होगी नहीं, ठीक है, आगे चले फोर्थ में चले, ठीक है, फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ में चले, क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ द पेड चेक्स, कंपनी बैंक अकाउंट आया ना, अब कंपनी देख रही है पेड चेक्स को कंपैरिजन किया, कंपैरिजन ऑफ द पेड चेक्स रिटर्न बाय द बैंक, बैंक जो है मंथ एंड पे कंपनी को सारे पेड चेक्स जो होता है ना वापस कर देता है स्टैंप लगा के, बैंक रख के क्या करेगा, विद द एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिवील्ड दैट, अब उन्हें कंपनी को रिवील हुआ, डिस्कवर हुआ कि चेक नंबर 821 फॉर 519 इशूड ऑन जनवरी 15 इन पेमेंट फॉर ऑफिस सप्लाईज, एक ऑफिस सप्लाईज के लिए एक चेक इशू किया था जिसका अमाउंट, जिसका नंबर था 821, 519 का अमाउंट था, ठीक हैड बीन इरोनियसली एंटर्ड इन द मोहम्मद फारूक मिल्स, फारूक मिल्स के अंदर यानी कंपनी में उसको रिकॉर्ड कर दिया, 519 से माइनस होना था, कर दिया 915 से, 91 देखो 519 से माइनस करना था, देखो इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो, कर दिया 915 से, ज्यादा से कर दिया, कंपनी ने कर दिया गलती है, तो कितने से ज्यादा से कर दिया, 915 माइनस 515, 919 915 और करना था 519, तो कितना 396 रुपए से ज्यादा कर दिया, 396 रुपीज से, तो इसका मतलब है माइनस ज्यादा कर दिया, तो कंपनी में अब प्लस होगा ना, ये बैंक से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं ना, कंपनी अपने रिकॉर्ड को सही करेगी, प्लस 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 सी, कितने अमाउंट से, 396 अमाउंट से प्लस करेगी, ठीक है, 396 अमाउंट, समझ गए, इसलिए यहां अमाउंट भी लिख दिया, वहां तो अमाउंट था ही, यहाँ पर हमने देखो ये अमाउंट देखा कि कितने अमाउंट से करना है, 396 कैसे आया, करना था 519 से, कर दिया 915 से, ज्यादा से तो आप प्लस करेंगे ना, अगर कम से किया होता तो माइनस करते, ज्यादा से माइनस कर दिया ना इसलिए प्लस कर रहे, अगर कम से माइनस किया होता तो फिर मजीद माइनस करते, देखो अब इसको अब फोर्थ को आप लोग खुद पढ़ो, फोर्थ को पढ़े और फिर बताओ क्लियर हुआ ये, जल्दी से देखिए, कंपैरिजन ऑफ द पेड चेक्स
returned by the bank with the entries in the accounting records revealed that check number 821 for rupees 519 issued on January 15 in the payment of office supplies had been erroneously mistakenly entered in the Mohammed Farooq textile mills as 915. क्रेडिट करना था 519 से, कर दिया 800 है 519 से कर दिया 915 से, ज्यादा कर दिया तो अब ये डिफरेंस से प्लस करेंगे ताकि वही बैलेंस आ जाए। इनका डिफरेंस लिया तो 396 इससे प्लस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पे आइए, एग्जामिनेशन ऑफ द पेड चेक्स आल्सो रिवील्ड दैट थ्री चेक्स आर इशूड इन जनवरी, चेक तो इशू कंपनी करती है ना, हैड नॉट बीन पेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक पे नहीं किया है। तीन चेक ऐसे, बहुत से चेक इशू किए हैं, तीन चेक ऐसे हैं कि पता लगा कि वो चेक इशू किए गए थे जनवरी में, अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, या प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक ने उसको माइनस नहीं किया, बैंक ने उसको डेबिट नहीं किया, ठीक है, राइट। तो इसकी वजह से बैंक का बैलेंस इनकी वजह से बढ़ रहा होगा, हम क्या करेंगे बैंक के अकाउंट को माइनस करेंगे इसमें, ताकि अपने अपने जो स्टेटमेंट बना रहे तो ये माइनस ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक है ना, ये एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स रिवील्ड दैट थ्री चेक्स, ठीक है, थ्री चेक्स
अरे भाई नौवीं स्टार्टिंग टाइम हो गया 5:26 हो गई। देखिए ये मैं जनरल एंट्री का डिस्कस कर रहा था, ठीक है, आवाज आ रही है ना। जनरल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या बताया, जनरल एंट्रीज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दी टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी कंपनी बाय ओनली, देखिए बाय ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम अबव विच वेयर एडजस्टेड इन कंपनीज कैश बैलेंस, जो कैश बैलेंस में कंपनी के कैश बैलेंस में जो एडजस्टमेंट आए ना, सिर्फ उनकी हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। देखो टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज बाय ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम अबव विच वेयर एडजस्टेड इन द कंपनीज कैश बैलेंस में जो एडजस्टमेंट, हम बैंक के बुक में तो नहीं एडजस्टिंग एंट्री पास कर सकते ना, तो हमने जो अपनी कैश बुक में जो एडजस्टमेंट किया है ना उसकी जनरल एंट्री पास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम भी जनरल एंट्री भी पास किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए अब हम आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, है ये मैंने जनरल एंट्री भी आपको समझा दिया कि उसकी एंट्री करेंगे जिस जो आइटम हमने अपनी बुक्स में जिसका एडजस्टमेंट किया है, प्लस या माइनस, प्लस से कैश बढ़ रहा होगा और माइनस से कैश कम हो रहा होगा, तो डेबिट क्रेडिट करना होगा, ठीक है, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए ये क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी व्हाट्सएप है, ये क्वेश्चन अभी आपको है जिसमें मार्किंग हमने कर ली है ना, ये क्वेश्चन आपको हाईलाइट हो रहा है ना। यस सर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन पे आ जाते, ठीक है, इसको अब मार्किंग कर लिए। देखो मैंने ये आपको प्रोसीजर बताया कि इसी तरीके से अकाउंटेंट भी कर रहा होता है कंपनी के अंदर जब बैंक स्टेटमेंट बना रहा होता है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट का स्केच तो मैंने दिखा दिया आपको बुक से, ठीक है, वो भी व्हाट्सएप कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन पे आते हैं। देखो मार्किंग जब कर ली तो हमने हमें पता है कि फर्स्ट वाले में बैंक में प्लस हो रहा है, ठीक है, और एक आपका जो है, ठीक है, फर्स्ट वाला ये प्लस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए और साथ में ये भी है, देखें ये आउटस्टैंडिंग जो चेक्स है, कहाँ गए आउटस्टैंडिंग चेक्स, एग्जामिनेशन पेड चेक्स, ये देखो चेक्स ऑफ पेड चेक्स रिवील दैट ऑल इश्यूड इन, देखिए एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स आल्सो रिवील दैट थ्री चेक्स आर इश्यूड इन जनवरी हैड नॉट बीन पेड बाय द बैंक, है तो ये आउटस्टैंडिंग चेक है ना, ये बैंक में से माइनस होंगे, है ये या नहीं किया हुआ है, बैंक में से ये माइनस होगा, ठीक है, इसलिए इसको मैं कर दिया माइनस बी, ठीक है, ये माइनस बी है, ठीक है, ये रह गया था बी फॉर बैंक सी फॉर कंपनी, ये देखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो बैंक इसको देखा हमने पर्चे को, एक बैंक में प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, ठीक है, बैंक में बस ये दो ही इफेक्ट आया इस सवाल के हिसाब से, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो छह ट्रांजेक्शन हुए ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बैंक में दो ही इफेक्ट आ रहा है, एक प्लस बैंक में हो रहा है, ए, क्या चीज है ये कि रिवील दैट बैंक अमाउंट लेट है, लेट आवर्स है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है ये, और एक ही आउटस्टैंडिंग चेक है बस। तो अब देखिए आप इधर आए हम सोल्यूशन पे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल मिल्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट January 31st, ठीक है। अब देखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखिए बैलेंस क्या है बैंक स्टेटमेंट में, वो देखा हमने बैंक स्टेटमेंट से, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है बैंक स्टेटमेंट में, देखियो 114 114,828 कोई बैलेंस यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं आपको इसके भी शेयर करता हूँ, ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ,
हो गया शेयर, देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शेयर हो गई। यस सर, शेयर हो गई, ठीक है सर। अच्छा अब देखे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, देखो कितना दिया हुआ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में, क्या बैलेंस है क्वेश्चन के अंदर, 1,14,828 ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें एडजस्टमेंट करना है, पहले एडिशन लोगे फिर सब्ट्रैक्शन लोगे, एडिशन चाहे एक हो या चार हो सबको बारी बारी ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में सेकंड रो में। अब इसमें वन ही है सिर्फ, डिपॉजिट इन ट्रांजिट देखो वन यहाँ पर, देखो ऐड लिखा ठीक है, और ये वन क्या शो कर रहा है ट्रांजेक्शन नंबर वन, जो ट्रांजेक्शन का एडिशन हो रहा है वो लिख दिया वन ब्रैकेट, और डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये है डिपॉजिट इन ट्रांजिट है क्वेश्चन। देखो लेजर पे अपने अपने व्हाट्सएप पे लेजर ये देखिए, कैश रिसीव ऑन जनवरी 31st अमाउंटेड टू 16,000 एट लेट आवर्स, देयरफॉर इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक है, तो इसको कहेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, डिपॉजिट है इन ट्रांजिट है, लेट आवर्स में बैंक में जनवरी में नहीं हो सका, तो ये 16,000 इसमें जमा कर दिया। देखो यहाँ देखिए ये देखो डिपॉजिट इन ट्रांजिट नंबर वन जो है इसमें देखो प्लस कर दिया इसको, ठीक है प्लस कर दिया 16,000, और तो एक ही था, अगर दो होते ना तो हम यहाँ लिखते उसके बाद दूसरा लिखते फिर इनका टोटल यहाँ ले जाते, ठीक है टोटल के अंदर इसमें कैश के नीचे बैलेंस पर बैंक, क्योंकि ओनली वन है तो हमने यही लिख दिया है, समझ गए ना, अगर दो एक से ज्यादा होते तो एक पहला यहाँ लिखते यहाँ लिखते इनका टोटल यहाँ ले जाते, तो एक ही है तो इसमें जमा कर दिया और इसका टोटल कर दिया, सब टोटल लिख दिया, अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना, माइनस भी हो रहा है ठीक है, माइनस भी हो रहा है, इसको सब टोटल लिख दिया ठीक है। अब देखो हमें पता है फाइव के अंदर, ये देखिए फाइव के अंदर अभी हमने मार्किंग की है जो आउटस्टैंडिंग चेक्स है, फिफ्थ में देखो व्हाट्सएप पे अगर ये अभी आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ पेड चेक्स आल्सो रिवील्ड दैट थ्री चेक्स आर इशूड इन जनवरी हैड नॉट बीन पेड बाय द बैंक, तीन चेक हैं जो बैंक ने पे नहीं किया, क्यों नहीं पे किया, आउटस्टैंडिंग चेक है, कस्टमर ने प्रेजेंट ही नहीं किया इसका मतलब, ठीक है सप्लायर ने प्रेजेंट नहीं किया पे नहीं किया, अब ये माइनस करना है ना, हमने फिफ्थ में देखो मार्किंग की हुई है माइनस बी, ठीक है ना मार्किंग की हुई अभी की थी मैंने माइनस बी, ठीक है ये देखें फिर मैं शेयर कर रहा हूँ माइनस बी, ठीक है ये माइनस बी और ये ट्रांजेक्शन नंबर फाइव है, तो इसको वापस यहाँ गए कितना है, ये तीन चेक हैं तो इसको इसको किस तरह लिखेंगे, थ्री चेक्स है राइट, तो थ्री चेक्स है इस वजह से इसकी देखो इसको किस तरह करेंगे, ये देखिए बैलेंस लेस ट्रांजेक्शन फाइव है देखो ब्रैकेट में लिख दिया, देखो आउटस्टैंडिंग चेक थ्री है इसलिए इस चेक को हमने देखो यहाँ लिखा वन बाई वन इनका अमाउंट, देखिए ये देखिए पहले का 314 प्रेजेंट नहीं किया उसने, 624 चेक नंबर 811 फिर चेक नंबर 823 175 इन तीनों का टोटल लिया, ठीक है इन तीनों का टोटल क्या आया 1114, और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है लेस है लेस राइट, तो ये माइनस होगा ना इन तीनों का टोटल आउटस्टैंडिंग चेक से, इसलिए आपको बताया माइनस ये तीनों इसमें से 130825 में से 1114 माइनस किया तो एडजस्टेड कैश बैलेंस आ गया, यानी कि बैंक का एडजस्टेड कैश बैलेंस आ गया ठीक है 129714 माइनस करने के बाद, ठीक है क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है बोलो। यस सर, बैंक बैलेंस को करेक्ट कर लिया हमने, अब आ जाओ बैलेंस एज पर कंपनीज रिकॉर्ड है ये उठाया, दोनों में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं ना, इसको लिया तो देखिए
कंपनी का बैलेंस उठाया उसी क्वेश्चन में से, वो क्या है देखो कितना बैलेंस है 125568 ये दिया हुआ है। अब देखे अब टॉप से चले कौन कौन सा प्लस हो रहा है, सी प्लस सी हो रहा है, देखिए मार्किंग की हुई हमने, ठीक है देखे ये देखिए देखो थ्री नंबर प्लस सी हो रहा है, थ्री नंबर, और ये फोर नंबर भी प्लस सी हो रहा है, एरर जो है 396 है और थ्री नंबर भी प्लस सी हो रहा है कंपनी में, क्या है ये कि भाई क्रेडिट मेमोरेंडम इंक्लोज विद द बैंक इंडिकेटेड दैट नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट, यानी कि ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, देखो नोट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट, ये प्लस सी होगा और एक ये एरर किया है फोर्थ में, ये दो प्लस सी हो रहे ना। तो देखो फिर हम सोल्यूशन पे गए, यहाँ पर देखो हमने तैयार किया हुआ है, आसानी से कर हो जाएगा सब, देखिए अब देखिए यहाँ पर रसीद ये देखिए एज पर कंपनी रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट राइट 4000, अब इसको कंपनी में प्लस करेंगे 4000, देखो यहाँ लिखा ऐड ट्रांजैक्शन नंबर थ्री डायरेक्ट डिपॉजिट, और है क्या ये नोट्स रिसीवेबल, क्योंकि एंट्री करते हुए ये चाहिए होगा नोट्स रिसीवेबल, और फिर नंबर फोर है चेक नंबर 824 फॉर ऑफिस सप्लाईज का, क्या रिकॉर्डेड कितना किया 915 से और एक्चुअल क्या था 519, इसका मतलब कि इसका डिफरेंस ज्यादा माइनस कर दिया डायरेक्ट माइनस ज्यादा कर दिया, देखो डायरेक्ट सप्लाईज के लिए चेक इशू किया था उसका अमाउंट था 519 माइनस कर दिया 915 से, तो ये ज्यादा माइनस कितने से किया 396 से ज्यादा कर दिया, इनका डिफरेंस ले लिया, ये 396 इसमें प्लस होगा है, ये प्लस कर रहे हैं यहाँ पर देखिए देखिए प्लस 3 से इनका टोटल ये 396, अब ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला लिया 4000 और ये 396, इन दोनों को सम किया तो पता लगा ये 4396 है और इसमें ऐड कर दिया इसको बैलेंस के अंदर, तो बैलेंस था उसमें ऐड हो गया तो ये आपके पास आ गया, सब टोटल आ गया क्योंकि माइनस भी होगा 12996, यहाँ तक क्लियर है सर? ठीक है अब देखिए लेस करना है, ये देखिए उसी क्वेश्चन पे वापस ले जा रहा हूँ आपको, देखिए फिर जो हमने ये देखिए दो माइनस सी भी दो है, देखो नंबर टू जो है वो माइनस हो रहा है और सिक्स माइनस हो रहा है, देखो टू ट्रांजेक्शन और सिक्स ट्रांजेक्शन, क्या है ये देखो टू क्या है आल्सो इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट विद द डेबिट मेमोरेंडम फ्रॉम द बैंक फॉर 50 रुपीज सर्विस चार्जेस ने चार्ज किया, तो ये सर्विस चार्जेस 50 रुपए माइनस होगा और ये सिक्स वाला ठीक है सिक्स एनएसएफ हो गया, ये चेक बाउंस हो गया है सिक्स वाला, ये माइनस होना है इसमें से क्योंकि हम ले चुके हैं इसको बाउंस वाले चेक को, एनएसएफ हो गया जब वहां पर भेजा तो एनएसएफ हो गया वो, ठीक है यानी कि रिजेक्ट हो गया सफिशियंट फंड नहीं था, तो ये 50 से और 200 से ये माइनस होगा, तो देखिए फिर हम वापस गए उसी पे बैंक स्टेटमेंट की सोल्यूशन पे, देखिए ये देखिए लेस सर्विस चार्जेस, ठीक है सर्विस चार्जेस माइनस किए, देखिए सर्विस चार्जेस 50 रुपए और दूसरा है एनएसएफ चेक है बाउंस हो गया एनएसएफ चेक और अकाउंट रिसीवेबल है ये 200 रुपए, इनका टोटल 250 इसमें से माइनस कर दिया इसको, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास ये एडजस्टेड है कैश बैलेंस आ गया, क्या आ गया
एडजस्टेड कैश बैलेंस एज अबव, देखो इसको एज अबव क्यों लिखा, ये देखो 1129, ये देखिए 129 बैंक के बैलेंस को किया तो 129714 आ गया और यहाँ भी 129714 आ गया, ठीक है, तो एडजस्टेड हो गया ना एज अबव, वही आना चाहिए, वो हो गया इसलिए बैंक रिकनसाइल हो गया और यहाँ लिख दिया है एडजस्टेड कैश बैलेंस एज अबव हेंस रिकनसाइल्ड भी यहाँ लिख दिया, क्या ये सवाल रिकनसिलेशन कंप्लीट हो गया है कि आपको तरीका है वर्किंग प्रोसीजर बता दिया किस तरीके से सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है, पहले उसको मार्किंग कर ली और फिर इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन भी देखना है कि पहले बैंक का बैलेंस उठाया जो प्लस हो रहा है वो किए, फिर जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस किए, फिर एडजस्टेड कैश बैलेंस लिख दिया, फिर कंपनी का बैलेंस हुआ जो ऐड करने हैं जो जो वो ऐड कर दिए, फिर सब टोटल, फिर जो लेस करना है वो लेस किया और फिर टोटल, ताकि एक प्रेजेंटेशन भी हो ना, एक खूबसूरती भी चाहिए, ठीक है, तो ये अब टाई हो गया, देखो 128 129714 129714 हैंस रिकनसाइल्ड, हमने रिकनसाइल कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझ गए, एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, सबको क्लियर हो गया जी सर, चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब पार्ट टू में है जनरल एंट्री करनी है आपको, जनरल एंट्री का मैंने पहले कॉन्सेप्ट दिया कि जनरल एंट्री उसकी करेंगे जो बुक्स में एडजस्टमेंट हुआ है, जो बुक्स में एडजस्टमेंट हुआ, पहले जो प्लस किया उसका एडजस्टमेंट करेंगे और फिर माइनस का, तो देखो ये देखो प्लस क्या हो रहा है बुक में, जो बुक प्लस हुआ है वो कितने से हुआ है प्लस 4396 से, ये देखिए प्लस जो हुआ है 4396 से है, और क्या क्या है ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है और एक एरर है जिसकी वजह से प्लस हो रहा है, तो ये देखो एंट्री क्या हो रही है कैश 4396 प्लस हो रहा है ना, कैश को डेबिट कर दिया पहले प्लस वाले किए, अब क्रेडिट क्या होगा नोट्स रिसीवेबल, भाई नोट्स रिसीवेबल से पैसा आ रहा है ना तो इसकी इस एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा है, नोट्स एक तो नोट्स रिसीवेबल 4000 आ रहा है और ऑफिस सप्लाईज, देखो ऑफिस सप्लाईज डेबिट होनी थी 519 से 519 से हो गई 915 से, ज्यादा से हो गई ना, तो अब ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर रहे हैं डिफरेंस से भाई 396 से, ताकि वही आ जाए 519 आ जाए, तो ये 519 से ऑफिस सप्लाईज को क्रेडिट कर दिया और इन दोनों का टोटल वही 4396 कैश डेबिट हो गया, ठीक है, एंट्री समझे, बोलो, ठीक है राइट, एक नोट्स रिसीवेबल है इसीलिए यहाँ पर देखो ब्रैकेट में भी लिख दिया था डायरेक्ट डिपॉजिट क्या है, किस तरह आया नोट्स रिसीवेबल से आया इसलिए क्रेडिट हो गया, और ऑफिस सप्लाई ज्यादा से डेबिट हो गई थी जो परचेज किया था कैश ज्यादा, तो ये उससे क्रेडिट कर दिया ताकि वही ऑफिस सप्लाई हो जाए, और यहाँ रिकॉर्ड भी नरेशन भी दे दिया टू रिकॉर्ड डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम नोट्स रिसीवेबल बाय द बैंक एंड करेक्शन इन ऑफिस सप्लाईज परचेज, ठीक है ये नरेशन दे दिया दोनों का एक साथ, ठीक है, अब जो माइनस हुआ है वो लेना है, है? अब जो माइनस हुआ है वो यानी कैश क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा ये देखना है, ठीक है डेबिट क्या हो रहा है, देखो एक तो सर्विस चार्जेस है ये देखिए, सर्विस चार्जेस है ये देखिए, देख रहे हैं नहीं सर्विस चार्जेस है, और दूसरा है एनएसएफ चेक, देखो जब चेक बाउंस हो गया ना इसका मतलब वापस अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ेगा, जब चेक मिला था तो कंपनी ने क्रेडिट क्या किया होगा कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल से पैसा आया था ना, ठीक है जब उसने चेक दिया था, अब ये बाउंस हो गया इसका मतलब रीइंस्टेट करना पड़ेगा वापस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है तो क्या हुआ देखो, देखो एंट्री क्या हो रही है सर्विस चार्जेस है वो तो एक्सपेंस हो रहा है तो सर्विस चार्जेस से डेबिट किया और फिर डेबिट किसको कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल को, वापस रीइंस्टेट कर दिया क्योंकि वो बाउंस हो गया 200 रुपए,
250 से क्रेडिट करेंगे कैश को, वे 250 से कैश क्रेडिट होगा, तो ये 250 से सर्विस चार्जेस दिया और 200 से अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट हो गया, 250 कैश, 250 क्रेडिट कर दिया और लिख दिया टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस एंड कस्टमर चेक बिकेम एनएसएफ, वो एनएसएफ हो गया, नॉट सफिशिएंट फंड इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरी एंट्री भी हो गई है, बस जो बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट आ रहा है उसकी एंट्री होगी, हम बैंक के अकाउंट को थोड़ी सही कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बैलेंस आ गया, ये जनरल एंट्री भी हो गई है, एडजस्टिंग एंट्री भी पास हो गई। तो अब क्या करोगे, पार्ट सी क्या है देखो क्वेश्चन के अंदर, भाई जनरल एंट्री क्लियर हो गई, दूसरी वाली भी हो गई क्लियर, देखो थर्ड क्या है, सी द थर्ड वन, स्टेट अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, बुक कुछ और कह रही थी, अब यहाँ बैंक में क्या शो करेंगे, भाई बैंक में वो शो करेंगे जो एडजस्टेड बैलेंस है, है? लॉजिकल है, है जो एडजस्टेड बैलेंस है वो शो किया जाएगा ना, ना तो बुक का बैलेंस अब शो होगा ना का बैंक का बैलेंस होगा, जो एडजस्टेड बैलेंस है का मतलब सही बैलेंस वो शो किया जाएगा ना, बात समझे। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, है ये देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो शेयर भी कर रहा हूं फिर दोबारा, पार्ट सीरीज देखो क्या